हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं दही वाले आलू की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप पूरी पराठे के साथ खाइए, मजा आ जाता है। इसे आप प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी अपने किचन में जरूर बनाइए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। दही वाले आलू बनाने के लिए हमने आलू के छिलके हटा के ऐसे मीडियम साइज के क्यूब में काट लिए हैं, यानी कि पेटल शेप में हमने काट रखा है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। इसमें हम धीरे से आलू को ऐसे और आलू को हम चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। भूनने में हमें 4 से 5 मिनट लग सकता है, मीडियम फ्लेम पे भूनना है। हमने आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके ब्राउन ब्राउन दाग आ गए हैं। आलू अपनी 90% पक भी चुकी है। अब हम इस स्टेज पे आलू को कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम चम्मच चेंज करके जाली जाल चम्मच से आलू को निकाल ले रहे हैं। हमने सभी आलू को बॉल में निकाल लिया। अब हम कढ़ाई से एक्स्ट्रा तेल एक दूसरे बॉल में निकाल लेंगे। अगर तेल कम है तो उसी में ग्रेवी बना लीजिए, अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो तेल को हम निकाल के अलग रखेंगे। अब इसी तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, दालचीनी स्टिक, 1 बड़ी वाली इलायची, 2-3 लौंग। तेल में हम इसे डाल के हल्का सा चटकने देंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है। जस्ट इसका आरोमा तेल में आ जाना चाहिए, तब तक हम इसे तेल में गर्म कर लेंगे। जीरा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 3 बड़ा प्याज काट लिए हैं। यहाँ पे हम साढ़े मेजर आपको 1/2 किलो आलू का बता रहे हैं। अगर आपको 1 पाव आलू की बनानी है तो 1 क्वांटिटी आधा कर लीजिए। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तेल में भूनेंगे। आप देख सकते हैं अपनी प्याज की कलर चेंज हो गई है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची जिसे हमने बीच में काट रखा है। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ भूनेंगे जिससे इसकी कच्चापन बिल्कुल चली जाए। जब तक अपनी लहसुन भून रही है तब तक हम दही में मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे घर की फ्रेश दही ली है 1 कटोरी। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि हम 1/2 किलो आलू की मेजर से तैयारी कर रहे हैं, आप अगर 1/2 आलू ले रही हैं तो 1/2 मेजर में 1/2 कर दीजिए। 2 चम्मच हमने लाल मिर्च डाला, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर आता है। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, यानी कि मसाले की सारी तैयारी हम दही में ही कर लेंगे। अब हम इसे 1 चम्मच की मदद से अच्छे से फेंटेंगे। तो हमने सभी मसाले को दही के साथ अच्छे से फेंट लेना है। ध्यान रहे दही रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर आपकी दही फ्रिज में है तो इसे रूम टेम्परेचर पे कर लीजिए, नहीं तो क्या होता है जब भी हम इसे फ्राई करने के लिए तेल में डालते हैं तो ये फटने लगता है। इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। दही ताजी है तो हम ज्यादा डाल सकते हैं, खट्टी है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स के साथ हम जब दही वाली सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। आप देख सकते हैं हमने मसाला को दही के साथ अच्छे से फेंट लिया है। अब चलिए हम प्याज लहसुन चेक कर लेते हैं। हमने प्याज लहसुन को अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया है। आप भी देख लीजिए प्याज बिल्कुल गल चुका है, यानी कि जो हम सभी सब्जियों में प्याज भूनते हैं उतना ही हमें भूनना है।
अब हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे और प्याज को मीडियम ठंडा कर लेंगे। तब हम दही डालेंगे, इससे दही अपनी फटती नहीं है। तो हमने फ्लेम स्लो कर लिया है, अब हम इसमें मसाले के साथ दही जो तैयार किए हैं उसे डाल देंगे। इतनी सुंदर कलर आई है, आप भी देख सकते हैं। बाद में हम दही को थोड़ा सा पानी से कंघार के डाल देंगे। अब हम जल्दी जल्दी दही को चलाएंगे, नहीं तो इससे क्या होता है, मसाला में दही जाते ही, जब हम दही डालते हैं कढ़ाई में तो वो फटने का चांसेस रहता है। इसके लिए हम जल्दी जल्दी चला देते हैं। अब हम फ्लेम तेज कर देंगे और जब तक दही अपना तेल नहीं छोड़े तब तक हम मसाले के साथ पकाएंगे। ध्यान रहे हमें जल्दी जल्दी चलाते हुए पकाना है। अब देख सकते हैं अपनी ग्रेवी जो है अच्छे से बन चुकी है। कड़ाही से हम अलग करते हैं तो ये अलग हो जा रहा है। किनारे किनारे पे तेल भी दिखने लगा है, कलर भी अच्छी आ गई है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, अपनी ग्रेवी अच्छे से भून चुकी है। आप ध्यान से देख लीजिए, अपनी मसाला अच्छे से भून चुकी है, दही बिल्कुल नहीं फटी है। अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो हमने जिसमें दही मसाला तैयार किया था उसी बॉल में पानी लेके एक बॉल पानी डाले रहे हैं। आलू डालने के बाद हम देख लेंगे, अगर ग्रेवी कम लगी तो हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ आलू। अपनी ग्रेवी की थिकनेस सही है, बस हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए। कितना सुंदर कलर आया है आप देख लीजिए। अभी इसमें उबाल आने के बाद इसकी कलर और बढ़ेगी। तो चलिए हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। चलिए हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जी के ऊपर तेल तैरने लगा है। आलू तो अपनी 90% कुक हो ही चुकी थी, मात्र में 10% कुक करना था। फिर भी हम एक आलू आपको स्पैचुला से दबा के दिखा दे रहे हैं। बहुत अच्छी आलू पकी है। आलू की सब्जी अच्छे से गल जाए तो कितना स्वाद आता है। अब हम फाइनली इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। गरम मसाला हम लास्ट में डालेंगे, इससे इसकी खुशबू बरकरार रहती है सब्जी में। और साथ में हम डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हम सेक के क्रश कर लेते हैं फिर डालते हैं। इससे दही वाली सब्जी में बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। आप चाहें तो यहाँ पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम कस्तूरी मेथी डालते हैं तो उसकी खुशबू के लिए हम धनिया पत्ता को नहीं डालते हैं, वो आपके ऊपर है। अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक और पका के फिर फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो हम कवर करके पका लेते हैं। चलिए हम सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए कितना बढ़िया अपना दही वाली आलू की सब्जी बनकर तैयार हुई है। हम आपको सर्व करते हुए भी दिखा देते हैं। कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है। आलू भी गल चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया दही वाला आलू की सब्जी बनाना कितना आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टिंग लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत।